वेलकम बैक टू ए प्लस मॉर्निंग। गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, मगर मैं अभी भी आपको नहीं बताऊंगी कि वो कौन है, क्योंकि इनका थोड़ा सा हमने एक पैकेज सा बनाया है, तो इनकी एक परफॉर्मेंस देख के आएंगे और फिर जुनेद इनका एक मजेदार सा म्यूजिकल इंट्रो कराएंगे। सो टेक अ लुक। और हम वापस आ चुके हैं और मैं एक म्यूजिकल इंट्रो दूंगा इनके बारे में। कैसे? बार बार देखो, हजार बार देखो, ये देखने की चीज है हमारा दिल रुबा डाले हो डाले हो डाले हो। डार्लिंग हो या शीन हो, शीन हो। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हम बिल्कुल मजे में हैं। आपका क्या हाल चाल है? मैं भी मजे में हूँ। अच्छा? हमेशा की तरह आपकी वो देख के माशाल्लाह हमें और मजा आया, क्योंकि हम मजे में हो गए। हम मजे में हो गए। सीन वाकई माशाल्लाह आप में इतनी ग्रेस है, जो भी आपकी परफॉर्मेंस है, जो भी आपका डांस है, आपका जो मूवमेंट है एंड योर एक्सप्रेशंस, योर बॉडी लैंग्वेज, उसमें इतना ग्रेस है। तो सबसे पहले शुरुआत इस सवाल से करेंगे कि क्या आपने प्रोफेशनली सीखा है? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया इतनी तारीफें करने का, कि मुझे तो आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गुजर जाएगा। नहीं, आप हम बुलाते हैं उसको जिसकी हम तारीफें सच्चे दिल से करते हैं। नहीं, और तो काफी लोगों का नाम सुनेंगे अभी हम जो लेंगे, जिनकी हम तारीफ नहीं करते। अच्छा। और जहाँ तक डांस की बात है, तो मैंने इसको बकायदा इसकी ट्रेनिंग ली है। क्लासिकल डांस मैंने खानू सम्राट से सीखा था। अच्छा। और अभी जो परफॉर्मेंस देखी आपने, ये भी खानू ने ही कराई थी मुझे। अच्छा। और जी बिल्कुल। और उसके बाद जो बाकी रेगुलर डांस होता है, लटका झटका टाइप जो होता है, वो मैंने इजाज़ सम्राट से सीखा था। तो इसीलिए मेरा जो उस्तादजा रहे हैं वो सम्राट फैमिली रहे। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा सिखाया उन्होंने आपको। और आप खुद आप में मतलब यू हैव दैट बोन इन यू, कि आप में खुद से वो एक लचक जो है। नहीं, एक एक मैं ये तो लचक, लेकिन एक देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन यू नो, एक वो जो हमारे यहाँ पे पॉपुलर जो डांसिंग, सॉरी टू से, लेकिन जो वल्गैरिटी की टिपिकल हमारे हो, हमारे टिपिकल नहीं है वो, हमारे नहीं है वो, पता नहीं किसके। हाँ, ये भी सही कहा है, वो हमारे नहीं है। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाके देखें तो बड़ा ही डेलिकेट और बहुत अच्छा डांस होता था, और उसको एक एज ए आर्ट फॉर्म लिया जाता था, ना कि एक शो पुनः एक आपका जो शोधबाजी मतलब वल्गैरिटी की तरफ जो आप जाते हैं वो नहीं था। ये बड़े रीसेंट पास के अंदर, कोई पिछले 10 साल में ये हुआ है, लेकिन आप जैसे और कुछ नाम है जिन्होंने वापस आर्ट की फॉर्म की तरफ डांस को लेके आए, डांस को एक अच्छी नजर से देखना एक्सेप्टेबल किया है, क्योंकि वही स्टेप आप वल्गर तरीके से भी कर सकते हैं और वही स्टेप आप ग्रेस से करें तो इतना खूबसूरत लगता है। तो शीन, आपने कभी सोचा है स्टेज की तरफ जाने का? या हैव यू डन स्टेज बिफोर, स्टेज में जो डांस परफॉर्मेंस होती है? स्टेज के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा और मुझे लगता भी नहीं कि फ्यूचर में मैं सोचूंगी। अच्छा। लेकिन जो परफॉर्मेंसेज हैं, जैसे आपने ये अभी देखे, ये मुख्तलिफ चैनल्स के लिए मैं परफॉर्म करती रहती हूँ, मतलब किसी भी इवेंट के लिए जो भी शोज़ होते हैं उनमें परफॉर्म करती हूँ, लेकिन जो हमारे स्टेज हो रहे हैं वो नहीं। आपकी फिजिक भी वो नहीं है। नहीं, अगर अगर आपको एक बड़ा अच्छा कोई म्यूजिकल जो कि बहुत अच्छा लिखा गया हो और बड़ा सीरियस ऑडियंस उसको ऑडियंस देखने आए उनको,
तो क्या आप वो करना पसंद करेंगे? बिल्कुल करना पसंद करूंगी, क्योंकि अगर तो कोई अच्छा काम हो और उसको ना करना तो फिर अपने काम के साथ जाती है। और अगर एक आपको पता है कि एक अच्छी टीम है, वो आपके साथ अच्छा आपको वो एक्सपोज भी अच्छा करेगी और आपसे काम भी अच्छा लेगी, आपका टैलेंट सामने आएगा, तो मेरा ख्याल है कि फिर करना चाहिए। और अगर हम लोग ही करेंगे तो ये जो गंदा माहौल हो गया है उसको बेहतर किया जा सकता है। अच्छा एक सवाल है मेरा जी, बताएं। लेकिन वो एक खास अंदाज में पूछूंगा आपसे। हाँ तू पूछ ले। जवान है, खूबसूरत है, लड़कों के फोन तो आते ही होंगे। यार ये सवाल मुझसे ना बहुत सारे लोगों ने पूछा है, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं आते मुझे, क्यों नहीं आता यार, ये मेरे मानने में नहीं आती। मैंने आपको एक और इंटरव्यू में भी कहते सुना था, मैंने वहां भी यही कहा था कि यार मुझे अपना नंबर दे दे। नहीं जुनेद, आप इसका डीपर मीनिंग पकड़े, हो सकता है कि वो कहीं पे कमिटेड हो फिलहाल। ये भी और हाँ, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी कुछ नहीं है और वो वैसा भी कुछ नहीं है। तो ऐसे और वैसे के बीच का रास्ता कौन सा होता है? वो बताएं आप। हाँ। मैं क्यों बताऊं भाई, तुम्हारा रास्ता मैं बताऊं। अच्छा शीन, एक्टिंग का भी शौक है आपको? जी बिल्कुल, और क्योंकि डांस में तो आपकी अदाएं देखी हैं। प्लेस मैंने किए भी हैं काफी, मुख्तलिफ चैनल से किए हैं, और अभी एटीवी के लिए भी मेरे प्लेस ऑन एयर हैं और ए प्लस पे भी गए हैं। तो एक्टिंग भी साथ साथ करती हूँ, क्योंकि मेरा ख्याल है कि एक जो आर्टिस्ट होता है उसको हर फील्ड में अपना काम दिखाना चाहिए। हम कल यही बात। हाँ, तो वो एक अच्छा एक्टर डांसर, मतलब डांस में भी आपको अपने एक्सप्रेशंस दिखाने पड़ते हैं, आपको अपनी अगर आपके एक्सप्रेशंस नहीं होंगे तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी होगी तो भी आप उस तरह से ऑडियंस को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल है कि अदाकारी की भी जरासीम है मुझमें। नहीं, वो आपकी परफॉर्मेंसेस में भी नजर आते हैं और काफी अच्छे प्लेज हैं आपके जो आप कर रही हैं, और उसके अंदर भी आप मतलब तारीफ की मुस्ताहिक हैं। बहुत अच्छा काम है, और मैं बड़ा सीरियस हो गया हूँ इस बारे में। मैं थोड़ी नॉन सीरियस बात कर लेती हूँ ना जी, कि शीन नाम, खैर ये नॉन सीरियस बात नहीं थी वैसे, एक सवाल था मेरे दिमाग में। शीन इज अ वेरी अनयूजुअल नेम, तो ये नाम किस जुबान का है और इसका मतलब क्या है? मुझे तो मैं बड़ी हो गई हूँ इस सवाल का जवाब। मैं कहा ठीक है, SH बस, मतलब छोटी सी थी जब से इस सवाल का जवाब देना शुरू किया, हर इंटरव्यू में, हर मैगजीन में, हर जगह पे। तो शीन जो है ये इंग्लिश वर्ड है, जैसे शाइनिंग है, ग्लोइंग है, दैट शीन जी, ये वो शीन है। और ये कुछ लोग समझते हैं ये सीन शीन वाला, हाँ, वो मैं वही समझ रही थी, वो है, लेकिन ये हाँ ये शीन, ये नून है, SHEEN, और इसका मतलब शाइनिंग, ग्लोइंग, चमकना। और इसके पीछे जो स्टोरी है, क्योंकि बहुत यूनिक है और मेरे बाद मेरे ख्याल से किसी ने रखा भी नहीं है ना, मेरे से पहले किसी का था, मैंने नहीं सुना कभी। तो ये है कि लियो हूँ मैं, और मेरी मदर स्टार्स पे बहुत बिलीव करती हैं, तो एस से नाम रखना था कुछ, और तकरीबन सभी नाम थे एस से, तो यानी कि फैमिली में पहले एस से नाम थे, सब के नाम थे, और शोबिज में भी काफी एस से नाम थे। और फिर मदर ने सोचा कि कुछ इस तरह का नाम रखा जाए। उन दिनों मैं मुन्नू भाई का सीरियल कर रही थी, तो मेरी मदर ने मुन्नू भाई से डिस्कस किया, तो फिर उन्होंने कहा कि तुम ना शीन नाम रखो। अच्छा, ये एक उनकी प्रोफेसर, तो उनका नाम जो है वो शीन, वो ओरिजिनल नाम क्या है आपका? ये सीक्रेट है, दैट्स अ सीक्रेट शी विल नेवर रिवील। वैसे हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा, अभी हमारे पास टाइम है, घंटा और पड़ा है। अभी सिर्फ आधा घंटा गुजर देंगे, आप भी फोन करके पूछो, शायद शायद बता। अच्छा नहीं, आपने फोन करके गेस करना है कि शीन का ओरिजिनल नाम क्या है, ठीक है, और देखते हैं कि आपका तुक्का लगता नहीं। एक आप लोगों ने हमें अपनी रेटिंग देनी है फोन करके, और एक आपने आज इनका नाम गेस करना है कि शीन का ओरिजिनल नाम क्या है, और आज हमने टॉपिक भी डिस्कस करना है, तो काफी चीजें आपके लिए, फोन कर लें। हाँ। अच्छा मैं ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, आप अपना फोन उठा के मिलाना शुरू करें, और उसके बाद वापस आएंगे तो एक और गेस्ट होंगे हमारे पास। हाँ। होंगे ही, देखेंगे। टेक अ ब्रेक।